वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं उठ चुकी हूँ, झाड़ू पोछा चल रहा है, फ्रेश व्रेश हो चुकी हूँ, बस साफ सफाई करूंगी, फिर उसके बाद खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज दो चीजें हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो गुस्सा हो रहा है, मैंने लेट हो गई सुबह के 5 बजे। मुझे रात को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, 12 बजे 1 बजे खुली गई थी, उससे पहले 11-18 बजे खुली थी, तो मैं उससे सुबह ही करता हूँ जब उठता हूँ। अब मुँह फुला रखा है, मैं मुँह फुला रखा है। तो दो चीज़ें, एक तो आज मेरा बर्थडे है जैसे कि बता दिया उन्होंने, और दूसरा आज है महानवमी, तो आज मैं कन्या जीवाऊंगी। बाकी देखते बच्चे कब तक आते हैं। बाकी दीदी से बात करी थी मैंने, तो जो जीवाएगा तो यहाँ भेज देगा, तो मैं अब काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद जीवाएंगे। और आज मेरा बर्थडे फीका फीका मनेगा, इस साल का बर्थडे ऐसे एमी जाएगा। घर पे होती तो कितने मजे रहते थे, घूमने जाते थे, पार्टी करते थे, मम्मी यहाँ जाती थी अपने वहाँ भी। किसने बोला यहाँ आने के लिए? मैंने बोला यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ अकेले अकेले मनेगा, कोई भी नहीं है। तो अब मैं करती हूँ काम, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार, बाल अभी मेरे गीले हैं, मैंने पहना है सूट। तो अब मैं करूंगी पहले पूजा, फिर खाना बनाने की तैयारी, भोग की तैयारी जो भी होगा। तो पहले फटाफट करते हैं पूजा, तो चलते हैं दूसरे रूम में। और मेरा चश्मा, बिना चश्मे की आरती कैसे, कथा कैसे पड़ी जाएगी? तो चलते हैं, आओ लग गया। हो चुकी है पूजा और अब मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी और किचन में चलते हैं। उससे पहले बालों को लगा लेते हैं, उससे पहले बालों पे लगा देती हूँ क्लेचर, नहीं तो इधर उधर बाल गिरते रहते हैं। आज बनाऊंगी खाने में पूरी, छोले और हलवा, और पनीर भी लेके आए हैं, तो शायद मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो। मतलब अगर कन्याए जल्दी आ गई तब तो नहीं हो पाएगा, अगर थोड़ा लेट आएंगे तब तो बन जाएगा। तो अब चलते हैं किचन में। तो बन चुका है भोग, ये रही पूरियाँ, ये रहे छोले, और ये रहा हलवा, यहाँ बन रहा है मटर पनीर। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल रखा तो उससे लाल दिख रहा है, बाकी प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला है, सिर्फ टमाटर डाला है। तो अभी मटर पनीर बन रहा है, बाकी मंदिर में चढ़ाने वाला, मतलब मंदिर में जो चढ़ाएंगे हम, पूरी हलवा और छोले बन चुके हैं ये, तो मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी, मंदिर में चढ़ाती हूँ इनको। और तब तक हमारा मटर पनीर भी बन जाएगा, और जो मंदिर में नारियल रख रखा है उसको भी फोड़ना है मैंने, पता नहीं मेरे से फूटता नहीं फूटता, उसको भी फोड़ना है क्योंकि प्रसाद के लिए करना है उसको। अब पूरी उरी लगते हैं प्लेट में, फिर चलते हैं मंदिर में, गैस कम कर देते हैं, तब तक आराम से बनता रहेगा मटर पनीर। कलश निकाल दिया मैंने, नारियल रख दिया है पंचमे में, अभी निकाल दिए, ये सब प्रसाद में मिक्स करूंगी मैं। और ये जो होता है ना कलश रखते हैं वो तांबे का रखते हैं, पर हमारे पास तांबे का नहीं था तो इसलिए मैंने यही रखा जो हमारे पास था। बाकी जो इसका पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा सब पीते हैं, तो अभी तो मैं पीऊंगी, विक्की अभी है नहीं, वो बाद में आके पियेंगे। बाकी जो इसका पानी पूरे घर में छिड़कूंगी मैं, फिर उसके बाद जो बच जाता है वो हरे पेड़ में डाल देते हैं हम, तो ऐसा करते हैं। बाकी मुझे पता नहीं बाकी लोग कैसा करते हैं, तो करते हैं। और फिर नारियल भी फोड़ती हूँ। ये रहा फाइनली छिल चुका है, ये इतनी मेहनत के बाद, हाथ दर्द होगा मेरे छिलते छिलते, तो ये छिल गया। अब इसको मैं फोड़ती हूँ, फूटता है नहीं फूटता है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं है, मतलब मैंने कभी नारियल छीला नहीं है ना फोड़ा है, ये मम्मी लोग ही करते थे जब मम्मी के घर थी, शायद ससुराल थी, और आज फर्स्ट टाइम खुद से कर रही हूँ। हे माता रानी, ए पानी आ गया, पहली बारी में फूट गया फाइनली, और पानी पानी हो गया इधर, और थोड़ा सा मैंने गिलास में रख दिया है, बाकी अब नारियल निकालेंगे। प्लेट लेके आ रखी मैं, तो उसमें रखेंगे नारियल छिल देती, उसके बाद मिलती हूँ। सब कुछ बन चुका है, चढ़ा भी दिया है मैंने, सब हो गया है, बस अब कन्याओं के आने का वेट है। दीदी को कॉल किया मैंने, तो दीदी बोली अभी पूजा कर रही हैं वो, फिर उनके घर में आएंगे कन्या, तो उधर से इधर भेज देंगे दीदी, शीतल दीदी। तो देखते हैं कब तक आती है कन्या, बाकी 10:30 तो हो चुके हैं, देखते हैं कब तक आती है। मेरे को लगता है 11 तो हो ही जाएंगे, 11:30-12 बज जाएंगे, पर वेट करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो वेट करेंगे हम अब कन्याओं के आने का। एक छोटी सी कन्या ये रही, बाकी आती हूँ मैं दीदी के वहाँ लेने के लिए, अभी दूसरी दीदी के घर जा रहे हैं, उसके बाद मेरे घर चलेंगे। खाओ भाई। एक उधर एक माता रानी इधर फल खा रही है बैठ के किचन में, फल खा रही है अंदर से बैठ के, ओ बस गप्पे मार रहे हैं।
गौ माता भी आ गई है फाइनली, उनको भी दे दिया मैंने। कन्या जीवा दिया, कन्या लोग भी चले गए हैं अब, और गर्मी हो गई है क्योंकि मैंने मतलब उनके जाने के बाद थोड़ा सा साफ सफाई भी की इधर, क्योंकि ना उन्होंने गिरा दिया था इधर उधर बच्चों ने, तो चले गए और अब एक बजने वाले हैं, मतलब 12:50 हो गए, एक बजने वाले हैं। तो गाय माता भी आ गई है, उनको भी दे दिया मैंने, बच्चों ने जो जुठाल दिया था मतलब जूठा कर दिया था वो भी मैंने उन्हीं को दे दिया बाहर, वो आई रखे हैं गाय तो उनको दे देते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी अब मैं खाती हूँ, अब मैं सोचू थोड़ा रुक के खाऊं, विक्की का वेट करती हूँ, कॉल करती हूँ, फिर साथ में खाते हैं। फिर शाम हो गई है और अभी आई मैं थोड़ा क्वार्टर से बाहर, अंदर रह रहे के ना ऐसे हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम लेते हैं, और मौसम मस्त हो रहा है बाहर का एकदम, मतलब बारिश आने टाइप का कुछ ऐसी ऐसी और का मौसम। बाकी बाहर घूम रही हूँ मैं अकेले अकेले, क्या करें अकेले अकेले मजे लेंगे अब लाइफ के, और क्या कर सकते हैं जब आए हैं तो। और बाकी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, आज सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा मुझे आज के दिन। क्या ले गया हो? केक भी चाहिए था क्या तेरे को? और नहीं तो क्या, बर्थडे बिना केक के कैसे मनता है भाई पूरा है? बिना केक के ये है ना सामान, चलो आज ही तो मना दे तेरा बर्थडे। जी लेके आए। कैसा लगा फिर तुझे, कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या कर रहे हो? सामान सेट अच्छा नहीं लगा मुझे, केक नहीं है, मजे नहीं आए क्या सच में? केक भी चाहिए था क्या? केक कहाँ से मंगाते हो इतनी रात को यार, कौन बनाते केक, कौन सा? दिमाग ना मत करो। है अच्छा लगा, कैसा लगा से बता दे। अच्छा नहीं लगा, इस साल मेरा वाला सबसे गंदा बर्थडे इस साल मना। नहीं यार मना ही नहीं, मना ही नहीं, मना तो इधर तो दिखा जा रहा है, मना ही नहीं मतलब ये तो कोई मना थोड़ी है, थोड़ा मनाना थोड़ी होता है, ये तो बस ऐसे होता है यार। तो कैसे मनाना, क्या मनाते, कैसे? केक लाते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं। ऐसा होता है कि घूमने नहीं? और नहीं तो मैं हर साल, मैं तो अपने बर्थडे में हर साल ऐसे करते हैं। कहाँ घूमने जाओ, खुद ही टाइम नहीं है मेरे को, कहाँ घूमने जाए? देखा तो मैं केक यार कौन आ रहा है? कहाँ चले गए? कहाँ से जा रहे हैं? बोल केक लेने जा रहे हो इतनी रात को? ये तुझे झूठ क्यों बोल रहे थे? गुब्बारा फुलाने को बोला, तूने गुब्बारा क्यों नहीं फुलाया? मैं नहीं फुला रही गुब्बारा, ये भी पहनाना है तेरे को। ये मैं नहीं पहनूंगी, चुप रहो, ये क्यों लेके आए? तेरे सिर पहनाने के लिए। ये तो पहले बोल देना, मैं फिर सब्जी बना दी है, मतलब सब्जी बन चुकी है, कॉल ही नहीं लग रहा था आपको, कब से फोन कर रही थी मैं, फोन नहीं लग रहा था, क्या बता रहा? नहीं लग रहा था आपका। ये बलून क्यों लेके आया? मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, सब कुछ है भाई तेरे लिए यार, तो खुश तो हो जरा, हंस जा यार थोड़ा। चलो फुलाओ इसको बलून को। नहीं गाइस मैं ज्यादा खुश नहीं हुई, थोड़ा सा अच्छा लगा बस, थोड़ा सा, सुबह से ऐसे हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा से तो लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। इसको साइड कर जरा यार, बाकी अभी केक काटेंगे हम। ले साइड कर इसको, फुलाओ बलून, बाकी कहीं नहीं गई मैं, बाकी कहीं नहीं गई मैं, बाकी ये फुलाएंगे बलून, मैं तो नहीं फुलाऊंगा। गाइस ये रहा बलून, अब ये फुलाऊंगा मैं, इसको वाला फुलाने के लिए पूरा फुलाया नहीं, बल्ब बटे नहीं है। तो हम सोच रहे हैं टेबल लेके अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उजाला थोड़ा कम है, अंदर थोड़ा अच्छा है कमरे में, शुरू का फुलाना। आई गिरेगा बाबू, रुको रुको, चलो 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 चलो, रिकॉर्ड तो ना थे क्या? मैं दिख रही हूँ ना लेते जाते हुए। चुके हम अपने कमरे में, यहाँ पे करेंगे हम केक कटिंग, अरे पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, तने कह के लेके आए हैं, ये चेयर भी लेके आ गई, ये सारे सामान लेके, पिज्जा भी आया है, पिज्जा भी आया है। तो हाजमोला लेके क्यों आ रहा? हाजमोला तो बाहर ही रहने दो, हाजमोला की बोतल भी लेके आ रहे हैं। कह रहा हूँ थोड़ा तेरा इतना खा के हाजमो आ जाए, थोड़ा खा के डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है चेयर लगाती हूँ मैं, एक मिनट इधर इस साइड कहाँ
फूटेंगे रात को ओ चला भी गया बैठे नीचे खाली उठा रहे बल्लू वो नीचे चला गया एक तो पता चिपकाएंगे ओके ये रहा केक इसमें क्या लिखा है व्हाइट लिखा होगा इसने पूरा नहीं लिख रखा आधा ही लिख रखा है चॉकलेट था उसमें कहाँ लिखा था मेरा बर्थडे का केक ये डाल दिया उसने सेट किया जा रहा है सारा सामान सेट रसगुल्ला सब कुछ खाया रसगुल्ला तो भाई पिज़्ज़ा मोमोज ठीक है रसमलाई इतना सारा क्यों लेके आया है मैं इतना सारा थोड़ी खाऊंगी इतना सारा ले आए जलेबी मैं नहीं खाती जलेबी मैंने हलवा खा लिया था नारियल वाली टॉफी मेरी फेवरेट मोमोज मोमोज रसमलाई पर ये व्हाइट कलर की क्यों है यहाँ कैसी मुझे फिर मार दू फूक फूक मार दू अभी पूरा सेट करेंगे उसके बाद मारेंगे हम फूक गर्मी हो रही है जल्दी बुझाऊं मैं कैंडल Happy birthday, my love.
अब काटते हैं, खाते हैं फटाफट, फिर उसके बाद मिलते हैं हम आपको, एक दो फोटो खींचते हैं अच्छी अच्छी, उसका मिलते हैं आपको। चलो तब तक वेट करो, बाय बाय। अरे बहुत अच्छी लग रही है यार, कसम से यार मजा आ गया। फोटो खींच दो इसमें। कहाँ जा रहा तेरा टोपी? टोपी में तो खींच दे, तेरी फोटो खींच दे टोपी में। अच्छा वीडियो बन गई था वो। दबा दब खा, खाते हैं ठंडा हो रहा है। चल बस स्टार्ट कर, चलो खाने की तैयारी करो। चल लगा लगा जल्दी लगा जल्दी लगा, बर्तन बच गए जल्दी लगा। फ्रिज नहीं है, खराब हो जाएगा। बाकी वो दस मलाई भी है, वो भी खराब हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा हो गया और मेरा पेट फुल भर चुका है, फुल हो चुका है। पर मेरे को अभी बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला है। तो साथ में गिफ्ट की बात कर रही हूँ, मैं हूँ तो ठीक है। अगले बर्थडे पे बनवा मत करो, अगले बर्थडे पे गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपको अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा, हम कहीं जाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मेरे को भी नहीं पता है, कहाँ जा रहे हैं। जूनून बोला, जूनून बोलो, एक दिन भूल जाएंगे बस घूमने, बस ऐसे। बाकी आपको पता चल जाएगा ब्लॉग से, बस इतना मैंने बता दिया। बाकी खा रहे हैं, मेरा तो हो चुका है, मेरा पेट फुल, बहुत ज्यादा लिया है, बहुत ज्यादा, इतना इतना किस उस पर लेके आए थे, कौन खाएगा इतना। मेरा तो कर हम जाएंगे, इतना मैं कभी खाती भी हूँ, इतना खाती भी हूँ मैं कभी, इतना भर के सब चीज, मतलब चौमिन चौमिन लाते, केक ले आते, रस मलाई बस बहुत था, मिठाई भी, समोसे भी, मोमो भी, चौमिन भी, जलेबी भी, कोल्ड ड्रिंक भी, केक भी, सब। बस थैंक यू। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समेट इनको, आप समेट, अभी समेटूंगी ना मैं, तो बस वापस दुकान वाले को रिटर्न, हम नहीं खा रहे, हमें अच्छा नहीं लगा, तो वापस। तो बाय 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 बाय, गुड नाइट, थैंक यू, ऐसे बोलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू। क्यों बर्गी, बर्गी का मूड ऑफ हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा था सुबह से, बस कुछ भी नहीं था, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो बस।
तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर, चैनल, ब्लॉग, पहाड़ी बांध, चलो ठीक है, बाय.